Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं firstbite.in। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की। इजराइल में गाजा अस्पताल के पास एम्बुलेंस पर किया हमला, 15 लोगों की मौत। नेपाल में देर रात आए भूकंप ने मचा दिया कहर। कांग्रेस ने 39 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। भारतीय टीम को बड़ा झटका, हार्दिक पांडे विश्व कप से बाहर हुए। पाकिस्तान मियांवाली एयरबेस पर फिदायीन हमलावरों ने मचाया कोहराम, 3 लड़ाकू विमानों को जलाया, 3 आतंकी मारे गए। अब खबरें विस्तार से। इसराइल गाजा में लगातार बम बरसा रहा है, इस बीच उसने गाजा अस्पताल के पास एम्बुलेंस पर हमला कर दिया है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है जबकि 7 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल में शुक्रवार की देर रात धरती हिलने से भयंकर तबाही मच गई और चारों ओर हाहाकार मच गया। नेपाल में शुक्रवार रात 6.4 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया जिसके झटके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में महसूस किए गए। समाचार एजेंसी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी नेपाल के जिलों में जोरदार भूकंप आने से कम 154 लोग मारे गए और दर्जनों अन्य घायल हो गए, जबकि बचाव दल पहाड़ी गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि कई इमारतें भी ढह गई हैं और मलबे में सैकड़ों लोग दबे हो सकते हैं। इस भूकंप से जाजरकोट और रकुम में बड़ी तबाही हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने बागी नेताओं को खूब मनाया, लेकिन जब वो नहीं माने तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भी चलता कर दिया और सीधे 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निर्देश अनुसार विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में निर्दलीय और अन्य दल से चुनाव लड़ने के कारण 39 नेताओं को तत्काल प्रभाव से 6 वर्ष के लिए कांग्रेस सदस्यता से निष्कासित किया गया। टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांडे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक के एंकल में चोट लगी थी, इसके बाद से ही वे टीम से बाहर थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि हार्दिक सेमीफाइनल तक वापसी कर सकते हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंकियों ने पाकिस्तान के वायुसेना बेस पर हमला किया है। आत्मघाती हमलावरों सहित भारी हथियारों से लैस 6 आतंकी पंजाब के मियांवाली स्थित पाकिस्तान वायुसेना के अड्डे में घुस गए। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग हो रही है, 3 आतंकी इसमें मारे गए हैं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.in।